मेरे को देख के बड़े खुश हो रहे थे लोग बाग, खासकर लड़कियां। ये भाई 1960 में बना था, वही बास्केटबॉल का मैच चलता हुआ। ये वेडिंग कार है यहाँ पर, देख लो लिमोजिन बना रखी है अगलों ने। यहाँ पर बड़े बड़े घर भी हैं लोगों के, पिछले 30 साल से इलेक्शन ही नहीं हुए। अपना तो इंडिया 40 साल पहले होगा ऐसा। जो इंडियन आपको दिखेंगे ज़्यादातर यहाँ टीचिंग लाइन में है। 12 रुपये में सलार, और देखो पुराने स्टाइल में घड़ी लगी हुई है, बंद है ये। फ़ोन वगैरह ने यार पॉकेट में डाल लिया, मैंने कहा ऐसा ना हो कि फ़ोन वगैरह ही उड़ जाए। वो वक्त कमिंग सून। आप लोगों ने टाइम ट्रैवल के बारे में सुना होगा, और जिन लोगों को मेमोरीज हैं 90, 91, 92, 93, 95, मतलब 90s की मेमोरीज हैं, वो लोग ज़रूर जानेंगे कि आज हम करने वाले हैं टाइम ट्रैवल। और बड़ा मज़े आने वाला है आपको देखने में कि आप जाने वाले हो आज से लगभग 25 से 30 साल पीछे। तो जय हिंद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और सबको राम राम। मैं हूं आपका दोस्त मनोज मल्होत्रा, और इस वक्त हम हैं इरिट्रिया देश की कैपिटल असमारा में, और हम इस वक्त खड़े हैं अपने होटल के बाहर। ये होटल भाई हमने बुक कराया था एज रिकमेंडेशन फ्रॉम आवर टूर ऑपरेटर। उसने कहा यार ये अच्छा है, मैंने कहा था मुझे सिटी सेंटर चाहिए, तो ये है टर्किश एम्बेसी बिल्कुल सामने ही फर्स्ट ऑफ ऑल। और भाई पुरानी जगहों को देखते हुए पहले तो ये है, देखो एक बिल्डिंग, आपको ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग्स यहाँ देखने को मिलेंगी। हम ना कुछ जो र्यूमर्स है उनसे भी पर्दा उठाएंगे। हमने हमेशा काम किया है ऐसा कि हमने दूसरी कंट्रीज़ में गए, और कुछ जो ना बेकार के जो चैनल्स होते हैं जो अपने आप को फैक्ट्स लिखते हैं, मैंने बहुत बार उनके बारे में बोला है, जिनको बिल्कुल भी फैक्ट्स नहीं पता होता, हो सकता है उन्हें ये भी ना पता हो नक्शे में एरिट्रिया, नॉर्थ कोरिया ये सब जगहें कहाँ हैं, लेकिन वो बनाते बड़ी मसालेदार वीडियोज़ हैं, और उन मसालेदार वीडियोज़ को लोग देखते भी बहुत मज़े से हैं। तो उन मसालेदार वीडियोज़ के कुछ जो हम भी देखते हैं, हंसी आती है, ऐसा नहीं होता, उनकी भी थोड़ी सी बातें हम करते रहेंगे मसालेदार वालों की। फ़िलहाल मैं आपको ये दिखाता हूँ कि पहले वो मसालेदार वाले कहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ एक चैनल आता है, ठीक है, या दो, यस यहाँ पे एक दो चैनल आते हैं सिर्फ, वो जो गवर्नमेंट के या इनके अपने हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये देखो भाई यहाँ पर चैनल देख लो पहले, तो रैंडम चैनल, एनी चैनल, जस्ट प्ले एनी, डिज्नी जूनियर, ये लो भाई डिज्नी जूनियर, ठीक है। अब BBC न्यूज़ आ रहा है तो आप समझ लो न्यूज़ तो फिर सारी आ रही होंगी ना इनके पास। जी ये लो भाई जी के चैनल भी आ रहे हैं, हेलो अर्जुन कपूर भाग रहा है बस, और कुछ भाई। और अब भाई बहुत से गूगल ये जो गूगल पे ही देख के सारी बात करते हैं ना, वो ये बोलने वाले हैं कि यार ये तो होटल है, यहाँ पर तो आएंगे ही है ना, और ये दिखाने के लिए है, हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है भाई। यहाँ पर अभी हम चलेंगे बहुत सी जगहों पर देखेंगे। ये रेस्टोरेंट है यहाँ का, यहाँ पर हमने सुबह किया था ब्रेकफास्ट भाई, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो भी आपको चैनल दिख जाएंगे, BBC न्यूज़ लगा हुआ है देखो यहाँ पे, और ऊपर म्यूज़िक का चैनल लगा हुआ है, शायद अपने वाला ही हो ये, मेरे ख्याल वो एक ही वो है अंदर से जो चलाएंगे वो यहाँ पे चल जाता है। तो भाई पहले तो ये देख लो कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही चैनल आता है, ये लोग सब कुछ जानते हैं, ये इंडियन मूवीज़ देखते हैं, इंडियन जो भी लड़कियां हैं वो तो सब जानती होती है इंडियन बॉलीवुड मूवीज़ को। मेरे को देख के बड़े खुश हो रहे थे लोग बाग, खासकर लड़कियां, और वो ये देख के खुश हो रही थी कि ये इंडियन है, और बॉलीवुड ने भाई हमारे को बहुत बचा रखा है। तो चलते हैं भाई, देखते हैं 90s के इस शहर को। और भाई होटल की बात करूँगा, काफ़ी जाना माना होटल है, सारी दुनिया इसे जानती है, और अपना ये सेकंड फ्लोर पे रूम है, इसी तरफ ही रोड दिखता है वहाँ से, और हमारे को ये पड़ा है $60 पर नाइट। तो भाई एक दिक्कत और होने वाली है, शायद वीडियो से ये लोग इतने फेमिलियर नहीं है, तो कैमरा वगैरह देख के शायद कहीं ना कहीं कुछ बोले। और एक और चीज़ मैंने कल ऑब्ज़र्व की थी, देखो साइकिल्स जो है ना इनकी, कितनी भी पुरानी हो सारी गियर वाली है साइकिल, 99% ही कहूँगा मैंने देखी सारी साइकिल जो है वो गियर वाली हैं, कुछ ओल्ड कार्स जो कि फीएट, फीएट बहुत है यहाँ पर, क्योंकि फीएट ही पुरानी कार है, और फीएट एक्चुअली इटालियन है, जो इटालियंस हैं उन्होंने इन पे राज किया था भाई 1890 से लेके 1942 तक। और भाई अभी हमने कराए करेंसी एक्सचेंज, $15 नकफा मिल रहे हैं, और ये स्टिल है काफ़ी टाइम से, और हर चीज़ ना भाई पेपर से कर रहे हैं, बिल काट के दिया अगली ने, और ये दिया है भाई 100 नकफा, और ये भाई 100 नकफा बैग से।
और रात को मेरे साथ क्या हुआ, मैं एक जगह पे बैठा हुआ था, बहुत इनकी हैपनिंग सी रोड है वो, उसको कहते हैं लिबर्टी स्ट्रीट। लिबर्टी स्ट्रीट पे बैठा था तो कोई मेरे साथ में ऐसे ही भाई चलता हुआ साइड में खड़ा हो गया। ये लोग ना खड़े हुए दिखेंगे आपको ना दीवारों के साथ, और शाम को खासकर। तो एक भाई खड़ा था, मैंने अपना फ़ोन वगैरह ना यार पॉकेट में डाल लिया, मैंने कहा ऐसा ना हो के फ़ोन वगैरह ही उड़ जाए। फिर थोड़ी देर में मैंने उसी से वैसे ही पूछा, मैंने कहा यार मेरे को किसी अच्छी जगह बैठना है, यहाँ से और क्या है यहाँ पर। तो वो बच्चे साथ देने लग गए, चलने लग गए, बताने लग गए। और हाँ, मैंने वीडियोस में देखा था और मैंने कहीं भी ये नहीं पढ़ा कि भाई अनसेफ कंट्री है। और वो जो होते हैं ना इमेजिन फैक्ट्स, वो उसने बनाई है ऐसी एक वीडियो जिसका टाइटल ये है, भाई हटाइयो मत, अब वो टाइटल है ना, अगर वो ये वीडियो देखे तो उसका टाइटल ये है मोस्ट डेंजरस कंट्री, बट ये द सेफेस्ट सिटी ऑफ अफ्रीका भी इसे कह सकते हैं आप, असमारा को। और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, दे पीपल आर सो नाइस। अभी हम खड़े हैं भाई ये पेस्ट्रिया गार्डनों पे, यहाँ की केक शॉप है। ये भाई सेफोनिस है जिनकी मैं बता रहा था कि मुझे लगा कि यार फोन ही ना उठ जाए। तो सेफोनिस इज फ्रेंड हियर, हाउ आर यू ब्रदर? गुड गुड। और ये लोग भाई बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं सेफोनिस। तो यहाँ पर सेफोनिस, हाउ मेनी कंट्रीज यू ट्रैवल्ड? मैं थ्री एंड व्हिच वन? कनाडा ऑस्ट्रेलिया दुबई एंड दुबई। तो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया इतनी बड़ी कंट्री है ना, तो हाउ डू यू मैनेज टू गो देयर? ओके, इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, पहले केक पेस्ट्री शॉप देख लेते हैं। हाय, सो विच वन इज द क्रीम रोल बिक रहे भाई? ओके टू, आई विल ट्राई दिस क्रीम रोल बिकॉज वी हैव दिस इन इंडिया। गली मोहल्ले में बिकता था भाई हमारे, देख लो 30 साल पहले वाले जो लोग हैं ना, क्रीम रोल बिक रहा, आज भी बिकता शादी है। व्हाट डू यू कॉल? कॉर्नो। कॉर्नो एंड वी से क्रीम रोल देयर इन इंडिया। यू आल्सो क्रीम? वनीला क्रीम। वनीला क्रीम, या सेकंड द मॉडर्न नेम ऑफ क्रीम रोल। टेस्ट भी सेम है यार अपने क्रीम रोल वाले। मुझे बहुत मजा आने वाला है क्योंकि मैंने भाई वो 90s का टाइम बहुत अच्छे से देखा हुआ है। ये भाई 1960 में बना था, यहाँ पर ये ओपन हुई थी पेस्ट्री शॉप। थैंक यू। और ये भाई यहाँ का 10 का नोट, मतलब 10 नकफा। भाई रोल खा लिया, पहले आपको करेंसी का बता देता हूँ। जो यहाँ की इरिट्रिया की करेंसी है वो नकफा, और 1 USD का जो मिलता है वो मिलते हैं 15 नकफा। और ये जो करेंसी है 1997 में इन्होंने मतलब लॉन्च की थी, और उसके बाद से लेके जो फ्लक्चुएशन है वो बहुत कम रहा है। जब स्टार्ट हुई थी ये करेंसी तब 13.5 मिलते थे, और अभी 15 ही मिल रहे हैं इतने सालों बाद, लगभग भाई 31 साल हो गए होंगे हैं। तो 31 साल बाद अभी भी सेम है। और अगर इंडियन रुपीज़ की बात करूं तो एक नकफा मतलब लगभग 6 रुपये मानो आप, क्योंकि डॉलर भी हमारे वहाँ तो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होता है, 1-2 रुपये कब ऊपर नीचे हो जाए पता ही नहीं लगता। तो एक नकफा को मैं 6 भारतीय रुपये गिन के चल रहा हूँ, जो भी मैं बिल दे रहा हूँ सोचता हूँ 6 से गुणा करके। तो ये जो क्रीम रोल था वो था भाई 30 नकफा के 2, तो मतलब 180 रुपये के हो गए क्रीम रोल 2। ये मतलब सस्ती जगह नहीं है वैसे, जगह महंगी है खाने पीने के उसमें, पर महंगी को आप ये सोच लो, हम सोच के आते हैं सस्ती जगह होगी कि कोई गरीब कंट्री है ऐसा है तो सस्ता होगा, नहीं यहाँ सस्ता नहीं है। और जो गरीब कंट्री है ना वो अधिकतर महंगी ही मिलती हैं। ये देखो भाई कार्स, करोला, ऐसी एक करोला में हम यहाँ पर आए थे, कल आपने देखी होगी वीडियो। जिसको भी भाई यहाँ के बारे में जानना ना कैसे आए कैसे पहुँचे, वो लास्ट वीडियो देख लेना। फिलहाल देखो कितना मतलब जगह कितनी खुली है इनके पास, रोड्स वगैरह देखो कितने खुले हैं, लोग ऐसे ही रोड पे घूम रहे होते हैं बीच में, कोई डर नहीं है भाई। ये शू क्लीनिंग की शॉप्स बहुत दिखेंगे यहाँ पर। और देखो भाई ये एक कैफ़े है, और यहाँ भी ठीक ठाक भीड़ है। इतनी इतनी वीडियो बनाना भी बहुत है, बस जाके ग्लिम्सा देख लो। ये भी मैंने कल देखी थी, आइसक्रीम पार्लर। गरीब जगहों पे कहाँ आइसक्रीम पार्लर होते हैं यार। और देखो जिलेटो है इनके पास, कल मैंने खाई थी बहुत बढ़िया, देख लो। और मैं भाई ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये लोग गरीब नहीं है या ये बहुत रिच कंट्री है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो र्यूमर्स हम सुनते हैं वो सारे सच नहीं होते। हम तो हमेशा गूगल को ही प्रेफर करते हैं ना, गूगल को ही देखते हैं। जिस साइकिल रिपेयर शॉप, व्हाट इज़ देयर, तो हम तो हमेशा गूगल ही रहते हैं।
कि जो गूगल कह रहा है वो सच कह रहा है, और गूगल दिखाता है कि यार यहाँ तो $50 मतलब मंथली इनकी इनकम है, और $50 में कैसे, तो मैं इसलिए ये दिखा रहा हूँ कि गूगल जो दिखाता $50 वाली बात, उसमें आइसक्रीम पार्लर कैफेज में लोग बैठे हैं भीड़ भाड़ हो के, तो इतना नहीं हो सकता भाई। बास्केटबॉल का मैच चलता हुआ रैंडम घूम रहे हैं यार हम। वाओ हे चैम, हाउ आर यू? गुड। बच्चे मेरी जान है। सिफोनियस, व्हाट इज द मेन स्पोर्ट्स यू प्ले द मोस्ट? फुटबॉल एंड साइकिलिंग। फुटबॉल एंड साइकिलिंग। Oh yeah, and you have a champion team in cycling. Yeah. In whole Africa, or you participate in Olympics also? Olympics, all of them. Like Eritrea, we're one of the biggest cycling clubs in the world. Uh-huh. Everything, we have champions like William Grimmie. Okay, how many champions you have? Like how many trophies have you won? Many. Many? Mm. In Olympics? No, in African champions. Okay. चलते हैं भाई यहाँ से। नॉर्थ कोरिया में हमने देखा था फुटबॉल मैच, और यहाँ पर हम देख रहे हैं बास्केटबॉल मैच। इस जो कंट्री को है ना, कभी कभी नॉर्थ कोरिया की भी संज्ञा दे दी जाती है। देखो जगह जगह कैफेटेरिया से ही पब्लिक बैठी है, सब जगह ही मिलेंगे लोग बाग बैठे हुए। और ये देखो भाई 90s वालों ओल्ड कार, ये वेडिंग कार है यहाँ पर, देख लो लिमोजिन बना रखी है अगलों ने, है कौन सी है, गेंस USA। और भाई घूमते फिरते ये दिखा अफ्रीका पेंशन होटल, यहाँ पे अपना छोटा भाई यात्री डॉक्टर रुका था, मेरे से पहले यात्री डॉक्टर ही आया शायद, और तो कोई नहीं आया यूट्यूबर जो इंडिया से ताल्लुकात रखता हो। और इधर है भाई ये सामने ही होटल के अम्बेसडर का घर, इटालियन अम्बेसडर का घर, बहुत चमका हुआ यार। और यहीं कैमरे दिख रहे हैं बस, और कहीं कैमरा नहीं है। गरीबी अमीरी का अनुपात तो नहीं पता, लेकिन ये एक प्राइवेट घर है, यहाँ पर बड़े बड़े घर भी हैं लोगों के। और ये जो एरिया ना, वैसे तो ये पॉश एरिया भी, डाउनटाउन जरूर जाऊँगा, डाउनटाउन आपको पता है मैं, मेरे को मज़ा आता है ऐसे ना भीड़ भाड़ में घूमने में। कार्स देखो, अम वालेकुम नमस्ते, विच कार इज बीटल? वॉक्सवैगन। सो भाई अभी हम पहुँचे यहाँ पर, ये जो चौक आप देख रहे हो ये असमारा सिटी का सेंटर है, तो सेंटर प्लेस है ये असमारा का। और इधर ही है सामने इनकी लिबर्टी स्ट्रीट, लिबर्टी स्ट्रीट बहुत फेमस है यार, वहाँ भी चल रहे हैं अभी हम। और सारी मिनिस्ट्री वगैरह भी यहीं है, ये लोकल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है। और यार यहाँ पर पिछले 30 साल से इलेक्शन ही नहीं हुए, तो राज सिर्फ एक ही बंदे का चलता है यहाँ पर, देखने दिखाने और कहने के मंत्रालय है यहाँ पर, यहाँ और है नहीं कुछ गवर्नमेंट के नाम पर। ये भाई असमारा कैपिटल का सेंटर है, और ऐसा लगता है कि बिल्कुल गांव में आ गए किसी। अपना तो इंडिया 40 साल पहले होगा ऐसा, 90s में तो ऐसा नहीं था, इससे थोड़ा डेवलप्ड ही था यार। ये अच्छी बात है लेकिन, है ना, लोग बात कर रहे होते हैं। आजकल तो क्या हो गया कि भाई हम लोग फ़ोन पे ही लगे होते हैं, मतलब दो दोस्त आपस में अकेले भी बैठे हैं ना, अभी मैं और कमल बैठे थे तो 10-5 मिनट बाद एक बारी फ़ोन उठा ही लेते थे। तो और पहले क्या होता था, हम लोग चौक पे खड़े होते थे, इकट्ठे यार दोस्त बात करते थे, किसी दोस्त को भाई मिलना है उसके घर जाना पड़ता था, आवाज़ें देनी पड़ती थी, फिर उसके मम्मी या पापा कभी कभी गुस्से होते थे, ओए एक बार आया तो था अब मत आ, और अपने बच्चे को भी डांटते थे टाइम से आ जाइयो। आजकल तो कुछ है ही नहीं, मतलब बस बच्चे को मिलना है तो उसको फ़ोन करके पूछ लो, कहाँ है बेटा, इतनी देर में आऊँगा बस, ठीक है। पहले भाई साहब डर होता था बापू का, 10 बजे का मतलब घर के अंदर 10 बजे एंट्री हो जाती थी, वो ज़माना बहुत अच्छा था यार। हेलो, व्हाट इज़ योर नेम? लिव। लिव लिव। अरे भाई ये बारबर शॉप है। हे ब्रो, हाउ आर यू? मॉर्निंग। हेलो। ओके, कुछ ना कुछ तो कराए आए हैं, तो ये है स्टाइल ना भाई मेरे। ये भी नॉर्थ कोरिया की तरह लगा हुआ है ना भाई, हेयर कट, नो हैव हेयर, इट्स स्मॉल हेयर, लिटिल लिटिल। ओके, भाई से मैंने कल पूछा, मैंने कहा हेयर ओरिजिनल है, कहता यस ओरिजिनल हेयर है, मैं रात को आ गया था घूमता फिरता। आई एम हैविंग हेयर कट फ्रॉम द बेस्ट बार्बर इन असमारा। या इयो। व्हाट इज योर नेम? इयो। इयो 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 इयो
Yop. My name is Manoj Malhotra. हाँ भाई, एक और चीज़, इंडिया से बहुत सारे जो हैं वो टीचर यहाँ पर आते हैं, जो इंडियन आपको दिखेंगे ज़्यादातर यहाँ टीचिंग लाइन में हैं, और बहुत सालों से, मतलब 50-100 सालों से यहाँ इंडियन टीचर पढ़ा रहे हैं। कल मुझे मिले थे भाई दो लोग, ना इंडियन थे, मेरी आदत है मैं रोक लेता हूँ, हाँ जी इंडियन हो, तो कहते हैं हाँ। मैंने पूछा क्या करते हो, तो कहते हैं हम टीचर हैं, और जो हमारी टूर कंपनी वाले हैं ना, मेरी उनसे भी बात हुई थी, तो मैंने उन्हें बताया इंडिया, कहते हैं हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं इंडियंस की, क्योंकि जितने हमारे टीचर्स वगैरह रहे हैं वो सारे इंडियंस रहे हैं, हमें पढ़ाया है इंडियंस ने, तो हमारे टीचर हैं, इसलिए हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं इंडियंस की। यू नो अबाउट इंडिया, ग्रेट कंट्री, जय हरी जी, यार थैंक यू भाई। 30 साल पहले तो पटरी पर बिठा दिया करते थे ले जाके बापू, और अपना वो एक ही नाई होता था, सर ऐसे पकड़ता था, ओए कान कट जाएगा, कान कट जाएगा, कान कट जाएगा, करता रहता था बस। ओके, व्हाट इज योर मेन लैंग्वेज हियर? टिग्रिनिया। टिग्रिनिया, तो भाई टिग्रिनिया लैंग्वेज है इनकी। ये देखो भाई, ये ना ब्लेड को हाथ से पकड़ के कर देते हैं, कहीं उस तरह में ही नहीं लगाते। हाउ मच ब्रदर? 30 नकफा। ओके, 30, 31, 2, 3, दिस इज 30 एंड दिस इज 40। थैंक्स फॉर योर लव, कमिंग इन, प्लेजर, आई विल। तो भाई 30 नकफा है यहाँ पर हेयर कट है, जो ठीक है, मतलब 180 भारतीय रुपये हो गया नकफा, और टिप आप देना चाहें तो वेलकम होती है। चलते हैं आगे, थैंक यू ब्रदर। चलो भाई बाहर आ गए, लोग अच्छे हैं, हंसमुख हैं, बात करते हैं। Hello. और हमने अभी ना ये भी करा के देखना है, शूज क्लीन वगैरह। और यार एंटरटेनमेंट का एक जबरदस्त साधन इनके पास ही है, ये जो है यहाँ से पेन ड्राइव में मूवीज वगैरह भरवा लेते हैं, देखते हैं अपन इंडियन मूवी कौन सी है इनके पास। एनीवन वो सलार भी आ गई भाई इनके पास तो। Do you have this सलार? Okay, how much you take for one video? 2 नकफा, 12 रुपए में सलार, और सैम बहादुर भी है भाई इनके पास। तो अब हम आ गए हैं लिबर्टी एवेन्यू पर, लिबर्टी स्ट्रीट कह लो, लिबर्टी कह लो, लिबर्टी एवेन्यू कह लो, और ये सामने है कैथेड्रल। और जितना भी आर्किटेक्चर है ना भाई यहाँ पर, ये बनाया था इटालियंस ने, इटालियंस की कॉलोनी रही थी ये 1890 से लेकर शायद 1942 तक, और इटालियंस इसको बनाना चाहते थे मिनी रोम। पीली टैक्सी ज़्यादा दिखेंगी, और देखो पुराने स्टाइल में घड़ी लगी हुई है, बंद है ये, और रोमर लिखा हुआ है, रोम वाले रोमर कहते होंगे। और यहाँ पर ये जो स्ट्रीट है ये बहुत बिकते हैं यहाँ पर चश्मे वगैरह ना। तो द चर्च इज क्लोज? Yes, closed. Closed. When it will open? On holidays. After holidays? Yeah, on holidays. Not today? Not today. Okay, so why today church open नहीं है, तो नहीं देख पाएंगे। और ये है लिबर्टी एवेन्यू का नज़ारा, BMI कैलकुलेटर, सब जगह आपको जनरेटर की आवाज़ सुनने को मिलेगी, लाइट नहीं है क्योंकि। और एक ये डायना, ये बहुत ही फेमस यहाँ पर रेस्टोरेंट है। मक्खियाँ उड़ रही हैं लेकिन। व्हाट आर यू सेलिंग? हाउ मच फॉर वन? 10 नकफा। ओके, गिव मी वन, दिस इज हाफ, 50 सेंट्स ओनली। सो ओके, यू डिड इट, ओके, Do it. If I win, I will give you all the money, okay? Okay. Advertising. No win. Next time. शाम को ही लाइट आती है इनके पास, शाम को पूरी लाइट थी भाई यहाँ पर, और रौनक भी बहुत ज़्यादा थी। और ये देखो वेइंग मशीन, लोग देखो आपको रोड पे बस आते जाते दिखेंगे, एक दूसरे को देखते हुए दिखते हैं, मज़ा आया मुझे। मैं कल इतना थका हुआ था यार यहाँ पे जब आया, मैं बहुत थका हुआ था, तो जब आया तो मैंने कहा चल थोड़ा सा बाहर निकल लेता हूँ, अभी 2-3 बजे हैं, क्या सोऊँ 2-3 बजे ही, तो 2-3 बजे सोना नहीं चाहता था और बाहर आ गया। आप यकीन नहीं करोगे मैं 10 बजे वापसी गया। और ये ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़म इंफॉर्मेशन सेंटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिस है, आप देख लो इसकी लोकेशन अगर बाई चांस कभी कोई इरिट्रिया आता है तो। ये जो चर्च है कैथेड्रल है उसके बिल्कुल सामने है, और इसके बारे में बताता हूँ आपको मैं।
और अगेन तो इसके बारे में बताता हूँ, अगर आपको एज अ टूरिस्ट असमारा से बाहर जाना है तो आपको लेनी पड़ती है परमिशन, और टूरिस्ट सिर्फ चार सिटीज़ में जा सकते हैं असमारा के अलावा, जो कि है एक कैरन, एक है मसावा, दो और हैं वो कुछ अलग से ही नाम था। तो टूरिस्ट जा सकते हैं चार जगह पे बस, और यहाँ से परमिशन लेके जानी होती है उसके लिए, और उसकी फ़ीस लगती है 50 नकफा, लगभग 300 भारतीय रुपए एक सिटी के लिए, और आपको एग्जैक्ट डेट बतानी होगी कि हमें जाना है इस डेट पे, और फिर आपको पासपोर्ट भी अपना यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। 2 से 3 घंटे लगते हैं आपको परमिशन मिलने में। तो अगर आप असमारा आ रहे हैं और कहीं बाहर जाएँ तो अपनी भाई परमिशन, वो समझ लो एक तरह का मिनी वीज़ा है, वो पहले से ही आप ले लेना। कल ये बेचारे भाग रहे थे भाई उठा उठा के अपना सामान, शाम को शायद अलाउड नहीं होंगे कोलगेट वालों, हमारा कोलगेट यहाँ बिक रहा है बाहर डाबर, ये पता नहीं कहाँ पे भाई, कुछ अरेबिक वगैरह में भी लिखा है, बाकी डाबर तो इंडिया का ही है यार, कन्फर्म है हम इस बात में तो। और लिबर्टी एवेन्यू पर आपको जगह जगह देखने को मिलेंगे कैफेज, बास, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है सिनेमा इम्पेरो, ये ओल्ड सिनेमा होता था इटालियन टाइम में, अभी भी लग रहा है जैसे यहाँ पर कुछ होता है, पूछते हैं भाई से। और भाई यहाँ पर जो ये लिबर्टी एवेन्यू है ना, यहाँ पर जब इटालियंस थे तो लोकल्स को आना अलाउड नहीं था इन बार कैफे सिनेमा घर में कहीं भी। ब्रदर दिस इज स्टिल ओपन, सिनेमा इज ओपन, ओके। तो यार अब इम्पोर्टेंट जगह है तो देख ही लेते हैं, बिकॉज वो वक्त कमिंग सून। Is it Indian? Yeah, this movie will come. Yeah, Indian movie. Coming soon. वक्त चला रहे हैं अब तो, मान लो भाई हम टाइम ट्रैवल में आ गए तो मानो यार, देखो हम टाइम ट्रैवल में हैं यार। इधर आओ फिर। लिबर्टी सिनेमा। लिबर्टी सिनेमा आगे पुराने दिन याद आ गए, इसको देख के लाइट थी नहीं तो अंदर का देख नहीं पाए, बालकनी भी थी छोटी सी, और यहाँ पे और भी सिनेमा है, अभी देखो टाइम ट्रैवलिंग के मजे लेते हैं।